See, the topic of unit fifth is web hosting. Let's understand what is web hosting. The hosting in nutshell is like computer that host a website. That's it. ये जो सर्वर है, इसको हम सर्वर और क्लाइंट के नाम से जानते हैं, सर्वर यूजर, इसको कहते हैं होस्टिंग. इफ यू जस्ट रिमेंबर दैट नथिंग एल्स, यू विल हैव द जिस्ट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अक्रॉस. से इट फ्यू टाइम्स. अ वेब होस्ट इज जस्ट अ कंप्यूटर. ठीक है, कोई टेंशन नहीं. नाइसली डन, यू आर ऑसम. आप क्या जानते हैं कि वेब होस्ट क्या कर रहा है? कि बस एक कंप्यूटर. मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस दैट कम विद होस्टिंग रिलेट टू द ऑप्शन ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ, एंड वी विल एक्सप्लेन दीस ऑप्शंस इन द फॉलोइंग बेटर क्वेश्चंस. हु इज होस्टिंग? कौन होस्ट है? टू हेल्प यू अलोंग योर जर्नी, वेब होस्टिंग एक्सपर्ट इज अवर साइट ऑफिशियल मेस्कर. होस्टली ईच सेक्शन यू कम. ठीक है, अब आइए दूसरा टॉपिक. हमें होस्टिंग की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, हमें होस्टिंग की जरूरत क्यों होती है बताइए. हमें होस्टिंग की जरूरत क्यों होती है भाई? हमें होस्टिंग की जरूरत क्यों होती है? इफ यू होस्टिंग रियली जस्ट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर दैट सर्व्स द वेबसाइट, देन व्हाई डू आई नो नीड अ होस्टिंग सर्विस. हमने एक लेसन पढ़ा कि कंप्यूटर पे हम कोई सामान रख दिए, उसको पूरे वर्ल्ड पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको होस्टिंग सर्विस की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो अपने होम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आप ये समझिए, वेब होस्ट का क्या फायदा होता है? वेब होस्ट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वेब होस्ट हमको कम पैसे में, लो कॉस्ट में, हाई परफॉर्मेंस देता है. और ये हम जो होस्टिंग का जो हेडेक है वो हमारे दिमाग से हट जाता है. सेल्फ होस्टिंग में क्या है? पावर का दिक्कत, कनेक्शन का दिक्कत, डायनेमिक आईपी होगी, हार्डवेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा अगर हम सेल्फ होस्टिंग करते हैं अपने सिस्टम से, अपने वेबसाइट को. प्रोफेशनल होस्टिंग से फायदा क्या हुआ है कि पावर का प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्ट्रा फास्ट रहेगा, स्टेबल कनेक्शन रहेगा, स्टैटिक आईपी रहेगी, हार्डवेयर मेंटेन्स बाय एक्सपर्ट टीम. डायनेमिक आईपी हमको इस वजह से मिलती है क्योंकि हमको जो आईपी मिलती है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो डायनेमिक से मिलती है. और ये स्टैटिक क्या है, ये जो है ना, ये हमको हार्डवेयर और हार्डवेयर वाले जो हैं मेंटेनेंस एक्सपर्ट देते हैं. हार्डवेयर वहाँ पे मेंटेनेंस एक्सपर्ट होते हैं, वो उतने एक्सपर्ट तो होते नहीं, हम तो खाली अपने वेबसाइट चलाना जानते हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमको प्रोफेशनल पे वेबसाइट होस्टिंग पे जाना चाहिए. जैसे हमारे GoDaddy.com है, बहुत सारे प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं. GoDaddy.com आप लोग सुने होंगे. तो आप जैसे मान लीजिए आपके आपके आपकी 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 आपने सेल्फ होस्ट किया वेबसाइट को, आपके घर में पावर चला गया तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी. आपके घर में स्लो कनेक्शन है तो ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट डाउन कर देगा. आपके वेबसाइट डायनेमिक हिस्ट्री हमेशा जो वो है, क्या नाम है, जो प्रोवाइडर है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, वो डायनेमिक हिस्ट्री देता है तो दिक्कत करता है. आप हो सकता है कि आपके कंप्यूटर कोई पार्ट खराब हो जाए, उतने दिन तक आपका फाइल उतने दिन तक आपका जो फाइल है वो रिड्यूस रहेगा. अब जब वेब होस्ट आप किसी प्रोफेशनल से कराते हैं, रिडंडेंट पावर सप्लाईज, उनको पावर सप्लाई से मतलब नहीं होता है, वो बैकअप जनरेट के देते हैं, वो अल्ट्रा फास्ट कनेक्शन देते हैं, उनके पास स्टैटिक आईपी होती है. ठीक है, अब आप समझिए, और एक्सपर्ट टीम होती है जो हार्डवेयर का मैनेजमेंट करती है. ठीक है, अब आप समझो, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. हमको ये समझ में आया कि होस्टिंग क्या होती है. अब हमको देखना है कि जो बेबी, आपने अभी तक बेबी बॉट थे, अब नूबी बॉट हो जाएंगे. नूबी बॉट का मतलब क्या है कि अब आपको कुछ और सिखाया जाएगा. अब आप समझिए कुकी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है होस्टिंग में. A cookie in relation to the internet is a small piece of data sent from a website and is stored in user browser while the user is browsing the website. Very important. ये जो cookie है, a cookie in relation to the internet is a small piece of data sent from
sent from a website जो सर्वर पे है stored in a user web browser while the user is browsing that website. इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इस वजह से क्योंकि हम path setting backend में जो path setting होती है server to वो ये हमारे लिए बहुत important हो जाता है. ठीक है Let's move. तो सबसे पहला स्टेप क्या है होस्टिंग का? What is my first step? First step of hosting क्या है? ठीक? सबसे पहला स्टेप है शेयर्ड होस्टिंग. सबसे पहला स्टेप है कि होस्टिंग को हम कैसे करें. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कितने टाइप की हम अपने पर्सनल लेवल पर होस्टिंग कर नहीं सकते. हमको किसी प्रोफेशनल वेबसाइट पर जानी पड़ेगी जैसे GoDaddy है. ठीक है, तो GoDaddy के पास भी ऑप्शंस हैं कि किस टाइप की होस्टिंग कराएगा. इन जनरल उसके पास तीन मेन टाइप की होस्टिंग होती है. एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, एक होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, एक होती है VPS होस्टिंग. हम समझेंगे इसको थोड़ा सा अभी ना, थोड़ा ध्यान देते हैं अभी समझेंगे. ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये तीन तरीके की जो होस्टिंग है वो क्या है. क्योंकि हमको जैसे अभी पंकज ने मैसेज करके भेजा है कि वेब होस्टिंग प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ गिविंग स्पेस टू ऑल वेबसाइट्स एंड इंटरनेट बिकॉज ऑफ दिस थिंग इन वेबसाइट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अच्छा है, बहुत अच्छा आपने समझा, बहुत अच्छा लिखा. तो वही है कि वो फोटो जो मैंने आपको दिखाई थी कि आप अपने सर्वर से बैठ के इंटरनेट पर अपनी चीजें दिखाते हैं जी. अब आप तो ये समझ जाएंगे कि आप अपने होस्ट बन नहीं सकते, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे. तो प्रोफेशनल क्या काम करेगा अभी हम समझेंगे. तीन तरीके से प्रोफेशनल काम कर सकता है, वो है शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और VPS होस्टिंग. अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ होस्टिंग की तरफ. देखो हमें छह स्टार पूरे करने हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ होस्टिंग पे बढ़ते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ होस्टिंग्स आर देयर जनरली अवेलेबल, शेयर्ड, डेडिकेटेड, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स. These three options combine to cover small, medium and large websites. Usually, तो क्या हो गया कि हमें small, medium और large websites उन्होंने अभी पढ़ाता है. तो ऑप्शन कंबाइंड कवर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज वेबसाइट. यूजुअली अ वेबसाइट साइज डज नॉट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मंथली विजिटर्स. सबसे पहली बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन जनरल जो वेबसाइट होती है उसका डिमांड करता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस, वर्क पेजेस आपकी वेबसाइट में. ठीक है, अब देखिए शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि एक सर्वर है आपकी, कोई उस सर्वर में बहुत सारे वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट भी है और लोगों की वेबसाइट है. डेडिकेटेड होस्टिंग जैसे google.com डेडिकेटेड होस्टिंग, वो क्या है, उसके अपना सर्वर, उससे पूरा मैनेज करता है. VPS होस्टिंग में क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं. मल्टीपल सर्वर्स जो हैं मिलके एक वेबसाइट को मैनेज करते हैं. ये google.com जो है ना आपका, ये भी है. ठीक है, एक गूगल इतनी बड़ी इकॉनमी कैसे क्रिएट होता है, उसको मल्टीपल सर्वर्स मैनेज करते हैं. इतना ज्यादा क्यूरीज कैसे मैनेज करते हैं, उसको मल्टीपल सर्वर मैनेज करते हैं. ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं उसको, VPS. अभी देखना, शेयर्ड होस्टिंग इज बात. तो तीन तरीके की होस्टिंग हो गई, मैं शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, जिसको क्लाउड होस्टिंग भी कहते हैं. वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग को ही हम क्लाउड होस्टिंग कहते हैं. ठीक है, अभी अभी क्लाउड कंप्यूटिंग भी यहीं से शुरू हो जाती है. तो कॉन्सेप्चुअली आपके ये बेस है क्लाउड कंप्यूटिंग का. जब हमने सबसे पहली बार वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का हमने काम किया, तब से हमारा काम शुरू होना शुरू हो गया. ना समझते हैं शेयर्ड होस्टिंग क्या है. शेयर्ड होस्टिंग इज बाय फॉर द मोस्ट कॉमन ऑप्शन फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स, इवन द सम पॉपुलर वेबसाइट्स. Share hosting in many websites, hosting on a single server. Remember, server just means computer. Okay. The advantage to using shared hosting is it makes it extremely cheap because of shared resource.
शेयर्ड होस्ट कैन हैंडल वेबसाइट दैट रन्स वर्डप्रेस जूमला और अदर्स ऑल्सो मेक द प्रोसेस स्टार्ट वेरी इजी. अ शेयर्ड होस्ट कैन हैंडल 30,000 विजिटर्स पर मंथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विच कवर्स मोस्ट वेबसाइट्स. If you get started with hosting, you should take close to shared hosting by its value. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. ये प्राइसिंग दिखा रहा है. नंबर ऑफ विजिटर्स पे डिपेंड करता है. तो शेयर्ड होस्टिंग में हम नंबर ऑफ विजिटर्स को कितना रखते हैं? 30,000 पर से. डेडिकेटेड होस्टिंग में हम ये देखते हैं, वो 1,00,000 विजिटर तक पर महीने देखते हैं. डेडिकेटेड होस्टिंग है भाई, आपके पास सिंगल सर्वर होता है वहां पे, डेडिकेटेड होती है सिंगल वेबसाइट, इसका बहुत हाई होता है पर्क्स. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मंथली $2.9. ठीक है, अब आप देखो इसका कितना होगा प्राइस. डेडिकेटेड होस्टिंग का, डेडिकेटेड होस्टिंग का कितना है? ₹2 से ₹150 डॉलर में. बीपीएस होस्टिंग की प्राइस देखिए, प्राइसिंग देखिए बस आप, $5. ठीक है, $6. तो हमेशा जो डेडिकेटेड काम इंटरनेट पे करने जाएंगे ना, तो उसका दाम बहुत महंगा होगा. ठीक है, बहुत महंगा. तो हो गया शेयर्ड होस्टिंग, ये हो गया डेडिकेटेड होस्टिंग, और इससे क्या होता है कि जो आपकी लोडिंग टाइम है और डेडिकेटेड आईपी और हैंडल की वजह से आपका जो कॉस्ट है ना, वो बहुत बढ़ जाता है, वो 1,00,000 विजिटर के ऊपर चला जाता है. ठीक, कि डेडिकेटेड होस्टिंग कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्वर दैट होस्ट अ सिंगल वेबसाइट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं बीपीएस होस्टिंग पे. शेयर्ड सस्ता, उस बहुत ज्यादा महंगा डेडिकेटेड, और बीपीएस थोड़ा सा महंगा, काम ज्यादा. इसमें जो हमारे टेक्निकल इनक्लिनेशन वाले वेबसाइट है उसको हम डालते हैं. बीपीएस होस्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब आफ्टर 3 टाइप्स. फर्स्ट, बीपीएस स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. Basically, a VPS has a huge amount of computing resource. You can purchase a portion of it for a price. समझे? बहुत बड़ा resource है, लेकिन आप एक portion खरीद ले रहे हैं. अब आप सोचिए कि एक ऐसा computer है जिसके पास 1,000 processors हैं, terabyte में RAM है, unlimited hard disk drive है. ठीक है, लेकिन आप उसको खरीद तो सकते नहीं अपने घर पे. तो आप उसको, आपने कंपनी ने इतना बड़ा खरीद लिया पूरा और कहा कि जिसको इतना प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए हमसे ले ले. तो वो जो कंपनी है हमसे ले ले वाली, वो क्या करती है, वर्चुअली एक आप जितने वेंडर्स उसको मिलते हैं, जितने वर्चुअली जितने वेंडर्स वो पाती है बाहर, जितने यूजर्स पाती है, एज अ वेबसाइट के मालिक पाती है, उनको चुपचाप शांति से वो कर देती है वो. ठीक है, अब आप आगे बढ़िए. क्या होता है, व्हाट इज रियली हैपनिंग इज 100 ऑफ कंप्यूटर्स आर नेटवर्क टुगेदर एंड अपीयर इन अ सिंगल रिसोर्स. 100 ऑफ नेटवर्क रहते हैं उस कंपनी के पास, सिंगल रिसोर्स की तरह काम करता है. जैसे जैसे क्या है, सर्च करिए www.google.com. ये जो वेबसाइट है ये क्या है, समझना होता है. चलिए समझते हैं. वेब होस्टिंग गूगल क्लाउड कैसे काम कर रहा है? गूगल, यहां पे देखिए लिखा है ना गूगल क्लाउड. अब ये जो लिखा है ना गूगल क्लाउड, यही वो बात कर रहा है, वीपीएन. ठीक है, तो गूगल भी गूगल क्लाउड के थ्रू वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है. इसका मतलब इसके पास भी रहता है, इसके पास भी एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर, बहुत हाई लेवल हार्डवेयर्स हैं और रैम्स हैं. अब चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं गूगल से ही. वेयर google.com इज होस्टेड.
ये एक है ICANN जो है, एक कम्युनिटी है जैसे W3 स्कूल है, जो हमें ये बताती है कि उनका जो होस्टिंग है वो कैसे काम करता है। जैसे हमको सर्च करना है google.com, तो google.com के बारे में उन्होंने बताया कि भैया इन्होंने google.com के बताया कि पूरा इंफॉर्मेशन google.com के बारे में यहाँ पे आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे कैसे चीजें हुई थी, ठीक, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, ठीक। तो कोई भी चीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक दुनिया में कम्युनिटी है, जैसे ICANN है। ये कम्युनिटी जो है, कोई भी, अगर अगर मान लीजिए आपने google.com ले लिया है, तो कोई दूसरा आदमी google.com नहीं ले सकता। इसको कहते हैं DNS अब्यूज को बचने के लिए हमने ICANN फोरम बनाया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम sajanchaturvedi.com है, कोई दूसरा भी ले, सजन चतुर्वेदी ले सकता है। तो उस चीज की इफिशियंसी को मैनेज रखने के लिए हमको ये काम करना होता है। इसी वजह से हमको होस्टिंग सर्विसेज जो हैं, वो ऐसे जो हमारे सर्वर साइट्स हैं, जहाँ की जो आप कहते हैं ना कि ये नाम नहीं मिल सकता, तो कैसे नहीं मिल सकता, क्योंकि एक ICANN ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क करती है कि आपके डोमेन को www.google.com को कोई दूसरा न ले पाए। क्या है ये? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर्स। ये क्या करती है, सेवरल डेटाबेसेस से कनेक्ट होके, और आपके आपने जो एक बार वेबसाइट बना दी, www.bit.ac.in, दूसरे को ना मिले। और ये मैनेज कैसे होती है, थ्रू कैसे मैनेज होती है, ये मैनेज होती है मोटो वन वर्ल्ड वन इंटरनेट। मतलब आपने जो सामान बना दिया, ठीक है, वो सामान दूसरे को नहीं बुलाऊंगा, मैं बात करता हूँ, चलो डोमेन सर्वर। अब ये जो google.com है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। आप google.com में अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। ये कैसे मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि ये जो डेटा, जितनी भी डोमेन नेम सर, जितनी भी डोमेन है, ये सब क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये ICANN के अंदर में, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के अंडर में काम करते हैं, और ये इन कनेक्ट, ये आपस में टेक्निकली ये डिसाइड करते हैं कि जो एक DNS, एक डोमेन नेम सर्विस जिसको मिल गया है, वो डोमेन नेमिंग सर्विस दूसरे को ना मिले। ये टेक्निकल ऐड कर रहा हूं मैं आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे, कि तीन तरीके की होस्टिंग सर्विस है। वो होस्टिंग सर्विस गवर्न होती है ICANN से। ICANN का काम ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई google.com वेबसाइट है, तो दूसरा google.com वेबसाइट मार्केट में ना आ पाए, ठीक है। अलबत्ता कि वो शेयर्ड हो रहे हैं या VPH होस्टिंग में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, What is really happening is hundred of computers are networked together and appear in the same locations. ठीक। The advantage of VPS hosting is you scale from a small to larger site without having switch servers. VPN you have a huge number of options from a software hardware go. Usually pay per by the hour instead of having monthly. ठीक है। तो यहाँ पे जो मसला है वो घंटों के हिसाब से है कि भाई इस घंटे हमको इतना चाहिए, इस घंटे में हमको इतना चाहिए। तो आप आइए, तो अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि हम किस हिसाब से डिसाइड करें कि हमारा, हमको शेयर रिसोर्स में जाना है कि डेडिकेटेड रिसोर्स में जाना है कि VPS क्लाउड में। तो हम जब रिसोर्स की बात करते हैं, तो अगर हमको शेयर रिसोर्सेस कम है, अगर रिसोर्स ज्यादा है तो डेडिकेट, ठीक है। रिसोर्स की अगर इफिशिएंसी पे देखें, अगर रिसोर्स के प्रैक्टिकली उस पर देखें, क्या नाम है, अगर आप बहुत ज्यादा आपकी वेबसाइट में रिसोर्स है जिसको आप शेयर, जिसको आप उसकी सिक्योर रखना चाहते हैं, तो आप डेडिकेटेड पे जाइए। अगर आप प्राइस पे देख रहे हैं, तो आप शेयर्ड पे जाइए। प्राइस इसकी बहुत हाई होती है, प्राइस इससे उससे कम होती है। अगर आप सिंप्लिसिटी पे देखना चाहते हैं, तो शेयर्ड पे जाइए, बाकी में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, डेडिकेटेड पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। अगर आप अपना स्केलेबिलिटी, अपने आप को कितना खींच सकते हैं उस पर जाना चाहते हैं, तो आप जाइए
शेयर्ड पे आप जाइए, डेडिकेटेड पे, क्योंकि आपके लिए जो डेडिकेटेड सर्वर है वो आपके हिसाब से बढ़ घट सकता है ना। सेम काम यहाँ भी है, अगर स्केलेबिलिटी में देखेंगे तो बीपीएस के पास तो ज्यादा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इन जनरल जो आजकल कंपनी के वेबसाइट है वो क्लाउड कंप्यूटिंग को ही यूज करती है और क्लाउड पे जाने की कोशिश करते हैं जिससे चीजें उनकी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है कि भैया 1 रुपए पर मंथ, 75 रुपए पर मंथ, 15 रुपए पर मंथ है, और अपडेट आप उस हिसाब से अपने आप को बढ़ा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एनी नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, यहाँ पे आप विजिटर्स के हिसाब से चीजों को पाते हैं, क्योंकि देखिए बीपीएस क्या है, ये स्विच कर रहा है चीजों को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जरूरत पड़ने पे जो भी सर्वर हार्डवेयर अवेलेबल है उसके हिसाब से वो मैनेज कर ले रहा है। आइए अब आगे आप डोमेन की स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। डोमेन की स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई है google.com, कोई है google.in, ठीक है, ऐसे amazon.com, amazon.in, इंडिया मार्केट amazon.in हो जा रहे हैं और बाहर google.com कर रहे हैं। तो ये कोई स्ट्रेटजी होगी ना कि यहाँ पे आके हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बाहर जाके अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अलग तरीके से काम कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक कंट्री में अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी कहते हैं, इसे कहते हैं डोमेन स्ट्रेटजी। अब डोमेन स्ट्रेटजी क्या है हम समझाते हैं। डोमेन स्ट्रेटजी कैसे डिफाइन करते हैं? डोमेन स्ट्रेटजी ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमको जरूरत किस बात की है। पहले समझिए डोमेन नेम क्या है। When someone wants to visit your site, they enter your IP address. They never enter your IP address. कभी लोग IP address तो डालते नहीं। क्या डालते हैं? वो human readable form में डालते हैं। google.com, facebook.com, futuristic.com। तो ये जो readable form है ना, www.example.com, ठीक है, www.example.com, example.com का मतलब ये है कि example क्या है, साइट का डोमेन है और .com टॉप लेवल डोमेन है। समझिएगा ध्यान से, example क्या है, साइट का डोमेन है और .com टॉप लेवल डोमेन। To be able to use a domain for your site, you have to register it with domain name registration. और इसको manage कौन करेगा? ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. अगर आपने ऐसा number, ऐसा site लिया जो जो पहले से है, तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए Internet Corporation for Assigned Names and Numbers आपके website को manage करेगा। ठीक है? अब आप समझिए बहुत ध्यान से, मैंने आपको इसीलिए ICANN बता दिया कि अगर मैं बार बार कहता कि डोमेन नेम सर्विस रिपीट नहीं हो सकती है, डोमेन नेम सर्विस रिपीट नहीं हो सकती है, आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे W3 Schools है, ऐसे यहाँ पे डोमेन नेम को सर्विस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको मैनेज करने के काम आती है, तो ये आप समझ गए। लेट्स मूव। द नेम ऑफ द साइट ऑन द वेब आर हैंडल्ड बाय अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज रजिस्ट्रीज एसेंशियल बिग लिस्ट ऑफ हूज own a particular domain. You do not deal directly with registries. You deal with a registrar, okay, which manages the registration on behalf of the registries. ये वही है ICANN, registrar साहब हैं जो manage कर रहे हैं पूरी registry. ठीक है, यहाँ पे जो confusion हमने यहीं से दूर कर दिया। तो what is domain name service? Domain name registries do not. Domain name service क्या है? जब आप browser पे enter करते हैं, तो वो internet सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्ट होता है और वो एसोसिएट होता है, फिर वो सेंड करता है फिर आईपी को ब्राउजर, ठीक है, और फिर आस्क करता है कि डीएनएस सर्वर को कैसे कैसे काम करें। अभी कैसे काम करता है? डीएनएस सर्वर्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की, ठीक है, एक टॉप हायरार्की आर द रूट नेम सर्वर्स। टॉप हायरार्की है वो क्या है? रूट नेम सर्वर्स है। These know where to find the domain name servers, authoritative information from top level domain like .com.
टॉप डोमेन सर्विस क्या होता है? टॉप डोमेन लेवल सर्विसेज के होते हैं, जैसे डॉट कॉम क्या है, टॉप टॉप डोमेन है, टॉप पे क्या है, डॉट कॉम है, ठीक है। और उसी के नीचे आप बहुत सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डोमेन के बारे में बताया कि डोमेन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप के डोमेन होते हैं, टाइप्स ऑफ डोमेन, थोड़ा सा इसको भी समझिए। डोमेन नेम के सर्विसेज होते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन्स, CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे .au, .en, GTLD, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जेनरिक में जैसे .com, .net, .biz, .org, .info, सब क्या है, जेनरिक है। IDN CCTLD, इंटरनेशनलाइज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये जी ऐसे होता है। ठीक है, ये कैसे चलता है कि आप कैसे आप चीजों को अलाउ करते हैं समझने के लिए, और सब डोमेन भी कैसे बनाते हैं। तो ये आपके डोमेन का फंडामेंटल है। तो डोमेन के फंडामेंटल को समझने के लिए हमारे पास फिगर है, बहुत अच्छा। डोंट राइट, तो वो फिगर क्या है, देखो तो कितने टाइप के डोमेन अवेलेबल है हाल फिलहाल। तो अपनी कैटेगरी पे हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स है, ठीक है, .com, .website, .info, डॉट क्लब, डॉट ओ आर जी, डॉट ओ, डॉट सी ओ, डॉट नेट, डॉट ऑनलाइन, डॉट स्पेस, डॉट मी, डॉट साइट। फिर कंट्री कोड के हिसाब से टॉप लेवल डोमेन है, डॉट इन, डॉट ए यू, डॉट ए सी, यू नो। फिर जनरिक टॉप लेवल डोमेन्स है, ठीक। फिर सेकेंड लेवल डोमेन्स है, डॉट को, डॉट यूके, डॉट जी ओ वी, डॉट यूके, डॉट जी ओ वी, डॉट इन, नहीं, डॉट जी ओ वी, डॉट इन, सेकेंड लेवल डोमेन्स। कुछ थर्ड लेवल डोमेन्स भी होते हैं, इसको आप सब डोमेन के नाम से भी जानते हैं। आप सब डोमेन उसमें दो ऐड कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरत होती है, किस हिसाब से हम अपने डोमेन को चुने, ये हिसाब ऐसे डिफाइन होता है कि हम अपने वेबसाइट को कहाँ अलाइन करना चाहते हैं। हम कॉमन में चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रिलेटेड एक्सटेंशन देखते हैं, फिर हम आगे फिर चीजों को हम सर्च आउट करते हैं कि होगा कैसे। अब जैसे ये सब डोमेन क्या चीज होती है, सब डोमेन क्या है कि जो सब डोमेन इज इंटायरली सेपरेट पार्ट ऑफ अवर वेबसाइट दैट स्टिल ऑपरेट्स अंडर द मेन डोमेन, ठीक है। वो हमेशा से क्या है कि वो अब मेरे वेबसाइट का पार्ट है, लेकिन वो अलग तरीके से काम करता है। जैसे डॉट जीओवी, डॉट इन के अंदर में जीओवी है, जीओवी के अंदर मिनिस्ट्री है, www.railministry, railinfo.gov.in। तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक डोमेन लिया है, उसके अंदर में उन्होंने जीओवी का एक डोमेन सब डोमेन बनाया है, उसके अंदर में वो सब डोमेन क्या काम कर रहा है, रेल रेल का वेबसाइट का काम कर रहा है। तो ऐसे समझिए, ठीक है। जो पांच टाइप के हैं वो सेकेंड लेवल डोमेन से ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है, ये कंट्री कंट्री अपने इंफॉर्मेशन के लिए यूज करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा कि डोमेन की स्ट्रेटेजीज क्या है और कैसे हम डोमेन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं कि आप कैसे डोमेन नेम जनरेट करें, डोमेन वॉच में स्क्रीन स्टेशन है, ये सब मदद करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में जो डोमेन बनाए उसमें कोई भी क्लटर फ्री रहे, ICANN उसको हमेशा अप्रूव करे। तो हम इन वेबसाइट्स का यूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पिकअप किया सच्ची, ठीक। अब हमको इतने सारे असिस्टेंस आ गए,
सची.com, सची.com, सची.com अवेलेबल है, तुम सची.com बना सकते हैं, सचीआर.com, वो सची.com। तो ये फायदे होते हैं कि नेम स्टेशन चाहे डोमेन बोर्ड्स की वजह से इनको मैनेज करने। तो मुझे लगा होगा कि आपको होस्टिंग और डोमेन थोड़ा समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर्स में फिर और एक्सपैंड करेंगे इसको, ठीक है। और आज हमने ये बेसिक्स पढ़ा, वेब होस्टिंग बेसिक्स, टाइप्स ऑफ होस्टिंग पैकेजेस को समझने की कोशिश किया, ठीक है। अगले में हम तो फिर इसको अपग्रेड करेंगे, रजिस्टरिंग डोमेन और डिफाइनिंग नेम सर्वर्स में। वीपीएन में तो सर्वर आ ही गया है, फिर कैसे कैसे उसको डेफिनेशन करते हैं। आई होप हम लोग इसको इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे।